लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा ने। नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने। जो पैदा करता है वो समाप्त करना भी जानता है। लालू जी की विचारधारा वाला गुंडागर्दी, आतंकवादी, लोकतंत्र का हत्यारा। नमस्कार, मैं कृपा सिंह राव, न्यूज़ PR लाइव देख रहे हैं। बीजेपी के विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी ने आज सहयोग कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से उनके मंत्री के अग्निवीर को लेकर के बयान दिया है, ऐसे लग रहा है कि RJD के तमाम नेताओं जो ऐसे हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब है, उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। इसके अलावा उन्होंने पूर्णिया की रैली को लेकर भी सरकार को निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा है। उसके अलावा जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार है, काम करने का तरीका, उस पर लेकर भी सवाल खड़ा किया है। और क्या कुछ करें, पहले आप वीडियो में सुनिए। देखिए, लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा ने। नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने। जो पैदा करता है वो समाप्त करना भी जानता है। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व 1952 से है, राष्ट्रीय जनता दल तो 1997 में पैदा लिया है, इसलिए चिंता मत कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल तो लड़ के थक गया, नीतीश की कृपा से सरकार में है, रहे, लेकिन 24 और 25 में बिहार की जनता घर बैठा दे। एक अंतरिक्ष वाले महागठबंधन ताकत दिखाने जा रही है कल, तो उसको कैसे देखेंगे? सभी लोग रंगभूमि। कौन ताकत? अरे यार, लालू जी का ताकत है भाई, ये सब का कौन वैल्यू है? कांग्रेस रीढ़ बहीन, ये मुरकट्टा पार्टी जो है माले, इसका क्या वैल्यू है? एक ही आदमी राष्ट्रीय महामंत्री। अरे यार, विनोद मिश्र जी के बाद एगो भट्टाचार्य बचे हुए हैं, एगो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जनता दल यूनाइटेड में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टाफे लोग होता है, तो उसमें क्या बोलना है? कोई बात बोलने की जरूरत है क्या? तो ये सब पार्टी है गैंग, लोकतांत्रिक पार्टी समझिए। भाजपा में देख लीजिए, 20 साल पीछे 5-7 गो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, प्रदेश में 7-8 गो प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। लोकतंत्र जहाँ है ये नहीं है, उस पर बात क्या करना है? ये सब कोई पार्टी ही नहीं है। लालू जी के साथ लालू जी की विचारधारा वाला गुंडागर्दी, आतंकवादी, लोकतंत्र का हत्यारा, वो गुट बना हुआ है, वही गैंग चलेगा, इसके ज्यादा है कौन गैंग? अरे नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, वो तुतरू क्या बजाएंगे? के कार्यालय में सहयोग के माध्यम से जन संवाद कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, और इसमें जो प्रमुख मुद्दे कुछ आए हैं आज हम लोगों के बीच में, एक चौकीदार के बहाली का इशू लंबे समय से 90 से लोग दौड़ रहे हैं, 33 वर्षों में उनका कुछ नहीं हुआ, वो चिंतित हैं, हताश हैं। कल हम लोगों ने देखा, एक अभी प्रतिनिधि मंडल आया था कि टीचर लोगों के 6 से 7 हजार रुपया उनके तनख्वाह से काटा जा रहा है। NOS ने परीक्षा लिया, रिजल्ट 2 महीने बाद आया, और अचानक 4 साल के बाद बिहार सरकार जगा कि इसका रिजल्ट लेट आया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो समय सीमा तय किया, उस समय सीमा के अंदर यदि शिक्षकों ने अपना परीक्षा दे दिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके सही समय पर रिजल्ट दिलवाकर उनका सही वेतनमान सही रहे। और एक गंभीर आरोप है नीतीश कुमार जी पर कि उपचुनाव होने थे पंचायती राज के, नगर निकाय के कई नगर निकाय हैं जिसमें चुनाव नहीं हो पाए। नीतीश कुमार क्योंकि समाधान यात्रा पे निकले थे, इन्होंने रोक लगवा दिया, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका प्लान भी घोषित कर चुका था कि जनवरी में और मार्च में चुनाव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार राज्य निर्वाचन को इस तरह दुरुपयोग करेंगे, हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी किया था। इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार को शर्म नहीं आ रही, और
चुनाव जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को रोकने का काम किया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये हम लोग सदन में भी उठाएंगे कि आप चुनाव को रोक कैसे सकते हैं। सारी प्रक्रिया हो रही है, एक फेज का नगर निकाय का चुनाव हो गया, दूसरा आप कैसे रोक सकते हैं। और आज तक मतलब हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार अब थेटरलॉजी के शिकार हो गए, क्योंकि अब लालू जी के साथ चले गए। आप समझिए कि आज तक रिपोर्ट नहीं मिला, वो जो कमीशन गठन किया गया अति पिछड़ा आयोग, आज तक बिहार की जनता को ये पता ही नहीं है कि आरक्षण का ग्राउंड क्या है। इसलिए नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है और लालू प्रसाद परिवार तो आरक्षण विरोधी शुरू से रहा नहीं है। सरकार का, सरकार के मुखिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। राजद वाला समझता है कि इनके पास तो वोट ही नहीं है तो इनका कितना सुनना है। जेडीयू के अंदर भी जो लोग हैं सोचता है कि मुख्यमंत्री तो कुछ दिनों के हैं, ये तो टेम्प्रोरी मुख्यमंत्री हैं, तत्काल तो तत्काल जब तक रहेगा तब तक इसका क्या महत्व है। वोट होना चाहिए ना। जनता को लगता है कि मेरा गोतिया है उत्तर प्रदेश। पहले हम एग्जाम्पल देते थे कि गुजरात में सड़क बन रहा है, गुजरात में इंडस्ट्री लग रहा है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लग रहा है, कर्नाटक में लग रहा है, अब तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है। और नीतीश बाबू के राज और लालू जी के राज में 33 साल में कुछ नहीं लगा। इसलिए बिहार के लोगों की चिंता है कि अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी पूरी तरह अप्रासंगिक